क्लास टेंथ चैप्टर फोर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन 10 एंड एक्सप्रेस ट्रेन टेक 1 आवर्स लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बैंगलोर। एक पैसेंजर ट्रेन और एक एक्सप्रेस ट्रेन होती है। आपको पता है एक्सप्रेस ट्रेन बहुत कम रुकती है और उसकी स्पीड पैसेंजर से ज़्यादा होती है। सो वो 132 किलोमीटर्स बिटवीन कहाँ, मैसूर और बैंगलोर के बीच के जो जर्नी होता है, ट्रैवलिंग होता है उन लोगों का, वो 132 किलोमीटर्स कम समय में पैसेंजर से एक्सप्रेस कर लेती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे कह रहा है इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस इज 11 किलोमीटर मोर देन दैट द पैसेंजर ट्रेन, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन्स। और यहाँ पे कंडीशन दे दिया कि एक्सप्रेस ट्रेन की एवरेज स्पीड जो है पैसेंजर ट्रेन के एवरेज स्पीड से 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है, तो इन दोनों ट्रेन का क्या है एवरेज स्पीड आप फाइंड कर लो। तो यहाँ पे देखो तो क्या हम कर लेंगे, लेट टू द एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। एक्सप्रेस का क्या हो जाएगा एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज इक्वल टू x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर, है ना। 11 किलोमीटर इसका स्पीड ज़्यादा है पैसेंजर से। अब यहाँ पे देखना है, हमने आपको बताया था इससे पहले के क्वेश्चन में टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। क्या होता है हमारा डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस तो ऑलरेडी दोनों ट्रेनों के लिए सेम है 132, लेकिन अगर हम स्पीड की बात करें तो दोनों ट्रेनों की स्पीड अलग अलग है। इसकी x है तो इसका x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर है। सो अब यहाँ टाइम फॉर पैसेंजर ट्रेन, ठीक है ना, या टाइम टेकन लिख देना, टाइम टेकन फॉर पैसेंजर ट्रेन कितना हो जाएगा 132 बाय एक्स आवर, ठीक है। एंड एक्सप्रेस की अगर हम बात करें सो एक्सप्रेस ट्रेन का कितना हो जाएगा आपका 132 बाय एक्स प्लस 11 आवर। अब यहाँ पे देखना एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक 1 आवर लेस देन द पैसेंजर। यहाँ पे कंडीशन ऑलरेडी दे दिया है कि ये जो पैसेंजर का जो स्पीड है, जितने स्पीड से ये पहुँचती है, जितना टाइम लेती है, उससे 1 घंटा कम ये टाइम लेता है, कौन, एक्सप्रेस। सो हम ऐसे कर सकते हैं नाउ 132 बाय एक्स माइनस 132 बाय 11 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे आप ये भी कह सकते हो सर आपने 132 बाय एक्स क्यों लिया, एक्स 132 बाय एक्स माइनस 132 बाय एक्स प्लस 11 क्यों लिया, माइनस इसको पहले करते। आप देखो हम बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं ना, ठीक है। सो बड़ा हमारा अगर एक्स की वैल्यू यहाँ पे 1 भी होता है सो 132 से 12 को हम डिवाइड करेंगे, इसलिए हमने 132 बाय एक्स माइनस 132 बाय एक्स प्लस 11 देखा। अब यहाँ पे एलसीएम आप ले लो, एक्स प्लस 11 यहाँ पे हो जाएगा 132 एक्स प्लस 11 माइनस 132 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, एलसीएम हमने लिया तो मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 132 एक्स प्लस 132 इंटू 11 माइनस 132 एक्स डिवाइडेड बाई एक्स से मल्टीप्लाई कर लो आप, एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स इज इक्वल टू 1, क्लियर। अभी 132 एंड 132 एक्स कैंसल हुआ आपका, 132 इंटू 11 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप 132 इंटू 11 से आपने मल्टीप्लाई करना है 2, 5, 4 एंड 1, 1452 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स। सबको एक साइड एक सेपरेट कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स
माइनस वन फोर्टीन फिफ्टी टू इज इक्वल टू ज़ीरो। क्लियर है? अब 1542 से हमें क्या लाना है, 11। देखो तो आप 1542 यहाँ आप ले लो, 11 से ले तो यहाँ आपका आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 3 एंड हियर 2। फिर 11 से आप ले लो 1 एंड यहाँ आ जाएगा आपका 2। क्लियर? अभी हमें कितना लाना है, 11 लाना है ना। सो 11 लाना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, यहाँ 3, 4, ठीक है। 11 3 जा 33, 11 4 जा 44। सो हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 152 इज इक्वल टू ज़ीरो। इन दोनों से x हमने कॉमन कर लेना है, x माइनस 44 सॉरी x प्लस 44 माइनस 33 कॉमन कर लीजिए, x प्लस 44 इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, x प्लस 44 इंटू एक्स माइनस 33 इज इक्वल टू ज़ीरो। सो x इज इक्वल टू एक्स प्लस 44 इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स माइनस 33 इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इज नॉट इक्वल टू माइनस 44। स्पीड हमेशा पॉजिटिव होता है, निगेटिव नहीं होता। सो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, 33 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 33 किलोमीटर पर आवर हो गया, यानी कि हमारा क्या, हमने एक सेलेक्ट किया था स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन एक्स इज इक्वल टू 33 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन कितना हमने लेट किया है, x प्लस 11 हमने किया है ना यहाँ, x प्लस 11। ठीक है, सो हो जाएगा हमारा 33 प्लस 11 इज इक्वल टू 44 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? सो दिस इज द आंसर।